खुद पर शक मत करो। ये कहानी है एक बड़े से जंगल की। उस जंगल में एक खूबसूरत सा तालाब था जिसमें बहुत सारे गुलाब के फूल थे। उस तालाब के चारों तरफ बहुत हरियाली थी। लोग वहाँ घूमने के लिए आते और उस तालाब में उगे उन गुलाब के फूलों और वहाँ की हरियाली की बहुत तारीफ करते थे। उसी तालाब के किनारे एक ऐसा पौधा था जिसमें बड़े बड़े पत्ते और बहुत सारे कांटे लगे हुए थे। उसमें ना तो फूल आते, ना उसे कोई छू पाता और ना ही उसकी तारीफ करता। वो पौधा अपने मन में यही सोचता कि इस सुंदर से तालाब में एक वही है जो किसी लायक नहीं है। उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी लोग तालाब और उसमें लगे फूलों की तारीफ करते तो वो पौधा खुद से उतनी ही नफरत करने लगता। एक दिन अचानक जंगल में बहुत तेज बारिश हुई। उसकी वजह से तालाब का पानी बहुत बढ़ गया और उसमें लगे फूल पौधे बहने लगे। बहते 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 वो पौधा ऊपर वाले से बोला, भगवान मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ, लेकिन आप इन फूलों की रक्षा करना। मैं इस तालाब से बाहर चला भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा। वो पौधा मन ही मन ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक चींटी पर पड़ी। वो चींटी पानी के साथ साथ बह जा रही थी। उस पौधे ने चींटी से कहा, तुम इस बहाव में ज़्यादा देर बच नहीं पाओगे, तुम मेरे पत्ते में बैठ जाओ, मैं तुम्हें किनारे तक पहुंचा दूंगा। उस पौधे की बात मानकर वो चींटी उसके पत्ते में चढ़ गई। उस चींटी को देखकर और बहुत सारी बहती हुई चींटियाँ उस पत्ते में आ गई। कुछ देर बहने के बाद वो पौधा तालाब का एक ऐसे किनारे पर जाकर रुक गया जहाँ पानी कम था और सारी चींटियाँ सूखी जमीन पर पहुँच गई। उनमें से एक चींटी उस पौधे के पास आकर बोली, अगर आज आप नहीं होते तो हम सभी की जान चली जाती। हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चींटी की बात सुनकर उस पौधे को एहसास हुआ कि उसकी वैल्यू क्या है और भगवान ने उसे कितना कुछ दिया है। वो पौधा मन ही मन बहुत खुश हुआ और उसी किनारे पर रुक गया। कुछ समय बाद तालाब का पानी फिर से कम हो गया। वह पौधा उसी जगह पर बढ़ता चला गया और उसके आसपास उसके जैसे और भी बहुत सारे पौधे उग गए। दोस्तों, जब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो हमें अपने अंदर की खूबियाँ नज़र नहीं आती। हम ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में हर किसी की अपनी एक वैल्यू है, हर किसी की अपनी काबिलियत है। दूसरों की खूबियों को देखकर हम खुद में कमियां निकालते रहते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है कि जब हमें अपने अंदर कमियां ही नज़र आती है, जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता जाता है। दोस्तों, सफलता पाने के लिए हम सभी के अंदर आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो उसे बढ़ाने के लिए आप सबसे पहले तो अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद कर दीजिए। अपनी कमियां गिनने की बजाय ये देखें कि आप में क्या खूबियां हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको भगवान ने कोई खूबी ना दी हो। कोई बोलने में अच्छा है तो कोई खेलने में अच्छा होता है, कोई डिसीजन मेकिंग में अच्छा होता है,
तो कोई पढ़ाई में अच्छा होता है। हर किसी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। हमेशा अपना फोकस उन चीज़ों पर रखें जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। नेगेटिव बातों से खुद को हमेशा दूर रखो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।